हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्स पर। दोस्तों, पेपर बहुत बढ़िया आया, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। जो जो मैंने आप लोगों को डीआई के बारे में बताया था एक दूसरे चैनल पर, बिल्कुल डीआई वैसी ही आई है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो जल्दी से चलते हैं, 24 तारीख यानी कि आज पहली शिफ्ट में मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और ग्राफ एंड टेबल में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी का जल्दी जल्दी हम लोग एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि चार, यहाँ पर देखिए, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र या कितनी है, 18.5 वर्ष है। चार खिलाड़ियों की आपकी औसत उम्र जो दी गई है वो 18.5 दी गई है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि अगर कोच की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र क्या होगी। तो फटाफट जरा बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। दोस्तों, फटाफट बताइए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, जल्दी से बताइए कितने लोगों ने क्वेश्चन को सही किया है। देखने वाली बात होगी, जरा सा मैं अपना इस, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को इस पर मैं करा रहा हूँ, इस वजह से पेन की थोड़ी सी थिकनेस में मुझे लग रहा है, मुझे परेशानी आ रही है। कोई बात नहीं, जल्दी ही इससे भी छुटकारा मिल जाया, है ना। तो दोस्तों, इसमें क्या करा है कि चार खिलाड़ियों की औसत आयु आप लोग देखिए तो 18.5 वर्ष दिया है। अगर कोच की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 20 वर्ष बढ़ जाती है। तो 20% का मतलब हो गया 18.5 का 1/5 आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कितना आएगा, 5 × 15 यानी 3.7। यानी ये जो चार लोग अभी तक आपको 18.5 के दिख रहे थे, अब कितने के दिखने लगेंगे, 3.7 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 12 एक लग गया, 9 × 3 = 12 के 2 यानी कि 22.2 के दिखने लगेंगे। लेकिन हमको इसमें कोच की उम्र बनाना है, बताना है ना, तो कितनी बड़ी भाई, देखो 3.7 बड़ी, कितने लोगों की बड़ी, चार लोगों को। किसने दिया है, कोच ने ही तो दिया है ना, 4 × 7 = 28 2 लगाया, 4 × 3 = 12 = 14 यानी 14.8 दिया कोच ने, 22.2 रखा, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है 37 यानी इसका आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। कितने लोगों का सही हुआ है नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अभी लाइव तो नहीं हूं, लेकिन आप लोगों कमेंट करके, कमेंट से मैं जान जाऊंगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, यानी कि आपकी चीज एक बार 30% बढ़ी है और फिर उसके बाद 20% घटी है। करने का तरीका कई सारे हो सकते हैं, आप लोग चाहें तो एक आप ये भी कर सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूं, एक बार 30% घटी है यानी कि ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, कोई बात नहीं। 100 से पहले कोई चीज आपकी 70 हो गई, माइनस का 30 हो गया, फिर यहां से कितना हो रहा है, प्लस का 20%, तो 70 का 20% मेरे बच्चों आप सब जानते होंगे कि कितना होता है, 14% बढ़ा दो, तो यहां से यहां में फिर भी देखा जाए तो 16% की कमी आई है यानी कि घटी है, 16%, आपका ऑप्शन डी यहां पर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल, कितना बढ़िया सवाल, और हर पेपर में आने वाला, इसको हम लोग करणी एवं घातांक में कवर करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, अब बताइए, ये आपको बताना था। और सारी दुनिया जानती है कि भैया जो नीचे वाला नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करा दो मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई कराओगे तो भैया नीचे 2 आएगा,
ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आप लिखोगे तो ये आएगा 2 root 15, जब काटोगे तो आंसर आएगा 4 root 15। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से यहां पर सही था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल आया जिसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर आप देखें तो ऊपर लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे अगर देखो तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और सारी दुनिया जानती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम यहां पर यही चीज रखें ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो भाई नीचे वाले से ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। ए का मतलब हो गया 885, प्लस का मतलब हो गया 15, और बढ़िया से आपका आंसर 1000 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान पेपर आया है, बहुत ही आसान पेपर आया, कहते हैं जबर आसान आया है। अब बताइए ये कह रहे हैं ये बताना है ना, क्या दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत क्या थी बताओ, 8 7 56 8 9 72 उधर कर दो, x अपॉन 196 बराबर 9 × 9 अपॉन 7 × 7, अब काट दो 7 × 14 7 × 56 7 × 28 लो भाई। अब बताओ, अब यहां से देखो 1 9 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, 9 × 2 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लो ऑप्शन ए खत्म हो गया। और बताओ 18 कैरेट, भैया 18 कैरेट बताना है, और हमारा खरा सोना क्या होता है 24 कैरेट का होता है कि नहीं होता है, तो 18 24 का कितना प्रतिशत है? जब करने जाते तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहती कि इसका आंसर सर 75% आएगा। और अब मुझे लगता है बारी आ गई है जिसको लेकर के आप लोग सुबह से ही परेशान थे कि सर इस बार की DI बहुत मुश्किल आई है, बहुत मुश्किल आई है। भैया मैं भी परेशान हो गया कि भाई कौन सी ऐसी DI आ गई जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो भाई अब हम लोग DI को जरा देख लेते हैं। DI कह रही है कि द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द बिलो सोन ग्राफ, आंसर दिस क्वेश्चन। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया, अगर आप यहां पर नीचे की तरफ ये देखोगे तो ये नंबर 1 छात्रों का नंबर है, 1 2 3 4 5, और ये इनका रेशियो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, लेकिन करने से पहले देखो इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। मतलब क्या है? मतलब कहना है कि सर हिस्ट्री जो है वो ऊपर है, सर हिस्ट्री हमारी ऊपर है और जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है वो नीचे है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। दोस्तों अगर ऊपर वाला बड़ा होगा यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये पूरा का पूरा रेशियो भी 1 से ज्यादा हो जाएगा। और इस हिसाब से आप देखो तो 1 2 और 3 तीन ऐसे रेशियो हैं जो 1 से ज्यादा हैं। इसका मतलब इसमें हिस्ट्री में आपने भूगोल से ज्यादा नंबर लिया है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, देखिए कितनी आसान DI थी। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब देखो, अब कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी करें तो हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी से कम हो, तो अगर ये कम होगी तो भाई साहब ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो 1 से वैल्यू देखो कहां कम है, 1 2 3 4 5 में ज्यादा है 6, यानी 1 2 3 and 6 ऑप्शन नंबर बी। देखिए बड़े आसान से, बहुत आसानी से लोग आंसर दे रहे थे, आप लोगों को क्या परेशानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या कह रहे हैं देखिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। अच्छा, भूगोल में अंकों की प्रतिशत बढ़त। दोस्तों अंक पहले बताओ, अंक तो आपने बताए ही नहीं, यहां पर भी आपने अनुपात दिया है,
तो प्रतिशत बढ़त नहीं बताई जा सकती थी, दिमाग लगाना ही नहीं था, आपका डाटा इनसफिशिएंट हो जाना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे क्या दिया गया था, कह रहे थे इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताओ। तो भैया देखो, न्यूनतम अनुपात हमारे पास था 0.35 और अधिकतम अनुपात था 1.55। अंतर बताना था, इतना आसान सवाल था, 1.2 लगा दिए होते, मस्त हो जाते, आगे बढ़ जाते। ये भी देख लेते हैं। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि छात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिले। चार, चार वाला कहाँ है, एक दो तीन चार, ये 1.25 है। 1.25 का मतलब ये हटा दो, ये आ गया, इसको काटेंगे तो 5/4 आएगा, यानी कि हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी। अब इस ज्योग्राफी को बता रहे हैं कि सर ये 60 हो जाए, तो 60 का मतलब 4 को 15 से, यानी ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करा दो तो हिस्ट्री में नंबर आ जाएंगे 75। देखो यही पूछा गया था, बताओ कितनी आसान डीआईआई, और आप लोग परेशान हो रहे थे इसको लेकर के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। 86 कह रहा है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें, और फटाफट देवें, ज्यादा दिमाग ना लगावें, है ना। क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहा है ये दिया गया है ना कि इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन है, बिल्कुल सही, मीट्रिक टन में है, कोई बात नहीं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष, उच्चतम वृद्धि वर्ष, तो भैया देखो यहां से यहां में 12 बढ़ाया है, प्रतिशत नहीं पूछा है, यहां से यहां में 12 बढ़ाया है और यहां से यहां में आपने 11 बढ़ाया है, बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब छोटे हैं, यानी ये वाला साल 2016-17 आपकी अधिकतम वृद्धि वाला था। बताइए भैया डीआई, इस तरह मैं आपको सारी डीआई करवाने वाला हूं, जरा वेट करिएगा। 87 सवाल हुआ, देखिए क्या है, कह रहे हैं कि पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्षों में कच्चे ऊन के उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया था। बहुत बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों। अब देखिएगा पहले चार को फटाफट जरा जोड़ लेते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 1, 9 और 6, 15 के 5 एक लगाया, 7, 5, 12, 5, 17, 5, 22। पहले चार वर्ष में ये पहले चार वर्ष में आपका कितना आ गया, 200 पहले चार वर्ष में। हाँ, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, देखिए देखिए क्या कर लिया, क्या कर रहे हो, गलत बात है, गलत बात है ना, ये सब इस तरह से चीजें गलत हो जाती हैं, छोड़ो छोड़ो उसे। हाँ चलिए, तो पहले में चार वर्ष में आपने 225 की, ठीक है, फिर उसके बाद अगले में देख लेते हैं, अगले में जोड़ लेते हैं, फटाफट जोड़िए, 8, 3, 11, 8, 19, 6, 25 के यहाँ भी 5 लगा दिया, 2, 7, 2, 9, 6, 15, 5, 20, 7, 27, ये लो 275, 225 से 275 50 बढ़ा है, 225 से बढ़ा है, और सवाल ने कहा है कि भैया हमको आंसर बता दो, तो 200/9 22.2, क्या सीधे आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग, बताइएगा बताइएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको रिपीट कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। अब देखिए पिछले से जुड़ा सवाल है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो भैया औसत उत्पादन के लिए क्या, देखो ये और ये जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा 225 और 275, 225 और 275 को अगर जोड़ दो मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 कितने लोगों का है, जरा देख लो, 8 लोगों का है, एक काम करो ऐसे कर दो, 4 × 8 ये 25 हो जाएगा, 125/2 का मतलब होता है 62.5, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, देखिए 87 से 88 जुड़ा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे, अब मैंने आप लोगों का पेपर में देखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे आप लोगों ने शायद 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 निगलेक्ट किया है। देखिए 89 क्या कह रहा है, पढ़िए, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष रही। भाई अधिकतम घटत देखना ही नहीं है, ये देखो ऐसा गिरा कि फिर भी ना उठा, है ना, ऐसे गिरो कि कभी ना उठो, ऐसा मत करना भैया। 2018-19 में देखो गिरा था, उसके अलावा भाई बहुत छोटा छोटा गिरा हुआ है, उसको आपको ध्यान ही नहीं देना था। अब देखिए 90 में क्या कह रहा है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में 51 है का उत्पादन, 2019-20 के उत्पादन का, 2019-20 का 68 आ गया।
अब देखो भैया 17 53 17 64 और 3/4 लगा देते, खुश हो जाते, एम नंबर मिल जाते, सिलेक्शन हो जाता। कितना आसान थी। 2 DI मैंने करा दी, 2 DI में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, आप चाहें तो वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 91 से 95 दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देते हैं तालिका। तालिका देखिए बहुत बढ़िया है। क्या तालिका दी गई? 5 सेल्समैन है, ये सेल्समैन है और उनके द्वारा हर साल कितना कितना कमीशन मिला है वो दिया गया है। अब इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। पहले सी को पकड़ो, यहां से यहां देखो, ये देखो सी वाला है ना, दिखा ना, ये देखो यहां से यहां अगर हम देखें तो लगभग आप इसने यहां पर 1600 की वृद्धि करी है पक्का। अब यहां पर तो 1600 की नहीं करी, छोड़ दो। यहां पर भी 1600 की नहीं करी, यहां पर तो 300 की करी, छोड़ दो, यहां भी नहीं करी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि 2016 में करी थी। लगाओ, बढ़ाओ, खुश रहो, आगे बढ़ो। देखा कितना आसान। पता नहीं DI बहुत मुश्किल आई है, DI बहुत मुश्किल आई है। क्या मुश्किल आया? फिर से पढ़ो क्या है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? अच्छा भैया बताओ। तो भैया 2018 में बी का, ये देखो बी है 28,000, लिख लो बड़ा सा। फिर पांचों का देख लेते हैं, तो पांचों का है 146,960 × 100। तो भैया 98-80 तो है ना, ठीक है, 19.05% की ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये 19.05% हो सकता है। तो दोस्तों 19.05 को जब इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 0 नहीं मिलेंगे, यानी ये 19.05 नहीं हो सकता है, हो सकता है नियरेस्ट हो, ये 27,900 हो सकता है, 27,900 के आसपास हो सकता है, लेकिन 28,000 नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर आप डी लगा दीजिएगा। देख लो 146,960, क्यों 146,960 × 19.05/100 ही तो करोगे। तो भाई 100 को मान लो कि 2.0 जो भी आएगा, 4 नंबर बाद डेसिमल लगाओगे ही ना, कंप्लीट 28,000 तो आने वाला नहीं, यानी 28,000 ये भी नहीं होना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर डी लगा दिया जाएगा। समझदारी ज्यादा मत दिखाना, आंसर लगाना, आगे बढ़ना, 93 पर आ जाना। कह रहे हैं किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में ज्यादा दिखाता है? अच्छा 2018 में 15 से कंपेयर करना है। अच्छा इन दोनों की बात करो, पहले एक ही बात कर लेते हैं। तो भैया 27 और 29, सर 2000 तो बढ़ाया है और साथ ही साथ 450 यहां पर बढ़ाया, ये 2450 बढ़ा है, किसका? ए का। ए है, बी भी है ऑप्शन में, सर बी तो है लेकिन 26,800 से तो बी तो अधिकतम आएगा नहीं, छोड़ दो। सी, हाँ सर सी की बात हम कर सकते हैं। सर देखिए 26,200 है, अगर ये 29,200 होता, ये 26,200 है और अगर ये 29,200 होता तो ये लगभग 3,000 देता, लेकिन सर 100 कम है, यानी इसने सर 2900 की बढ़त दिखाई सी ने, बहुत अच्छे। डी, सर डी 2900 कहाँ दिखा पाएगा, 27,850 है, 29,950, चलो 2000 हो गया, तो बस सर इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। सी ने सबसे ज्यादा 2900 की बढ़ोतरी दिखाई थी और हमने आंसर सही कर दिया। ठीक है चलो आगे बढ़ो। आगे आ गया हमारे पास में 94 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? बहुत बढ़िया सवाल था ये। सवाल जो आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया था। मतलब कहना क्या है कि जैसे देखो 2015 लिया तो इसमें न्यूनतम 26,250 है, अधिकतम 2840 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर आप देखोगे तो 2000 से कम है। मैंने उसी तरह कहा कि 2019 में देखो ये 24 है और ये 29 है, 29,750 और 24,600, इन दोनों का अगर आप अंतर भैया निकालोगे तो
तो लगभग लगभग 5,000 आएगा, और इन चारों में भी कहीं पर भी 5,000 का अंतर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 2019 में सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 क्या कह रहा है, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, सेल्समैन डी द्वारा कितना, 29,800 अर्जित कमीशन। ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ए का कितना है, 24,600। अरे ये तो 24,600 से ज्यादा है, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो मोर देन 100 होगा, हाँ या नहीं। ये नहीं पूछा कि लगभग कितना कितना ज्यादा है, ज्यादा नहीं पूछा, कितना प्रतिशत है। इसलिए इसमें से कोई भी नहीं होगा, आंख बंद करके डी लगाओ, खुश रहो, आगे बढ़ो, मजा आएगा। क्या है, चलो भाई अगली डीआई आ गई। अगली डीआई 96 से 100 में क्या कह रहे हैं, ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर हैं, एंजल, शेर खान, जिरोधा, ट्रेडवुड, इतने लोग हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम, औसत महत्तम सबसे ज्यादा कब खुले, तो आपको इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा खाता आप लोगों ने कब खोले। तो देखो ये भाई साहब लोग तो वैसे बहुत कम कम है, गरीब लोग हैं, ये भी सबसे कम दिख रहे, कंपेयर आप इससे करिए, अगस्त और सितंबर में देखिए, अगस्त और सितंबर में, सितंबर यहां -10 है लेकिन यहां पर +15 है, यहां पर +5 है और यहां पर +10 है, तो सितंबर अगस्त से ज्यादा है और बाकी सब तो वैसे भी कम है, तो जब ये पहले से ही ज्यादा है तो इसका एवरेज भी ज्यादा आएगा, इसलिए सितंबर को आंसर लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब पहुंचते हैं 97 में कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है। अगस्त में ये बताइए कितने खाते खुले हैं, पहले अगस्त में जोड़ लेते हैं, 5, 5, 10 के जीरो लगा देते हैं, 1 लगा दीजिए, 7, 3, 10, 3, 13 और 5, 18, अगस्त में 180 खाते खुले हैं, बताइए हम सही हैं या गलत हैं। अगस्त में 180 खाते खुले हैं और जून में अगर हम देख लेते हैं 8, 8, 16, 5, 21, 2, 23 के 3, 2 लगा दिए, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 9, 4, 13, 133, यहाँ पर आ गए, 133 मुझे मिला है, बताइए कोई गलत है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से, मैंने बताया था जहां से आएगा ए अपॉन बी इंटू 100, बी हमारा जून हो गया, अगस्त कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कर लेते हैं, करने से कुछ नहीं होता है, 47 इंटू 100। अब आप इसको जरा सा सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं कैसे करूंगा, एक काम करो, 133 का अगर हम 10% देखें तो 13.3 होगा, इंटू थ्री कर देंगे तो 30% जो हमारा आएगा भाई, जो हमारा 30% आएगा, जरा देख लीजिए, 30% आएगा, 3, 3, 9, इसको मैं थोड़ा सा लैपटॉप मेरा चार्जिंग से लग रहा है गड़बड़ा रहा है, तो ये चार्जिंग वाला पॉइंट भी इसमें इंसर्ट मैंने कर दिया, थोड़ी सी रोशनी बढ़ी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 3, 3, 9, 39.9 आया। उसके बाद में हमने कहा कि इसका अगर हम 1% देखेंगे, अगर हम 1% देखेंगे तो 1.33 आएगा, ऑप्शन में देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कम रह जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5, 3, 15, 1, 5, 3, 15, 16, 1 लगा, 5, 1, 5 और 1, 6, अगर 6.65 हम इसमें जोड़ दें भाई, 9, 5, 9, 6, 15, 1 लगेगा, तो 9 है ना, 6, 15, 1, 16, 46.55 आ रहा है, 47 चाहिए, यानी कि देखो ये हमारा ऑलरेडी 35% था, ये 30 हो गया, 35% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने अपनी क्लास में बहुत बार आप लोगों को बताई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते 98 क्या कह रहे हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मई से लेकर सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, ठीक है, जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, अनुपात बताना है, चलिए 8, 5, 13,
13 5 18 5 23 और 5 28 के 8 2 7 6 13 3 16 2 18 2 20 208 हो गया। इनका 208 हो गया, देख लीजिए, जोड़ जाड़ लीजिए, मुझसे मत कहिएगा नहीं तो गड़बड़ा दिया आपने। फिर इनको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के जीरो लगा दिया, 1 5 3 8 5 13 4 17 2 20, और कहा गया इनका रेशियो 2 डेसिमल तो पहले यहाँ फिट कर दोगे और 2 से काटोगे तो आएगा 1. कितना आएगा? बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हो भैया, हमसे कहाँ भाग के जाओगे, 2 एक कम 2 0 और 2 चौकी 8, 1.04। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 99 की तरफ। इसमें कह रहे हैं किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो देखो इस शेयर ब्रोकर में बेचारा 25 28 35 65 खेल रहा है, ये 22 18 32 45 बेटा तुम तो चलो, इनको कंपेयर करते हैं 25 से 30। अच्छा तो ये 35 ज्यादा है, 28 ये देखो 42 ज्यादा है, ठीक है 3 ज्यादा हो कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 नहीं ज्यादा था, अच्छा यहाँ पर तुम 5 ज्यादा हो कोई बात नहीं, 45 है बाकी से तो ज्यादा ही है, ये दोनों तो हट गए। अब देखो ये 15 हो गया, सबको कवर कर लिया, 20 हो गया, यानी देखो ट्रेड बुल भैया सबसे ज्यादा लाएगा, और जब ये सबसे ज्यादा लाएगा तो इसका औसत भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर सी यहां पर पूरी तरह से सही था। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेयर खाद में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो ट्रेड बुल में देख लेते कितने खाते हमने खोले हैं, 5 2 7 5 12 के 2 लग गए, एक लगाया, 6 1 7 5 12 4 16 4 20 और 3 23, तो ट्रेड बुल में हमको मिले 232 खाते, बिल्कुल सही है ना, जरा चेक कर लीजिएगा अगर कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि गलती आप लोगों को ही पकड़ना है। शेरखान में देख लेते हैं कितने हैं, 8 2 10 2 12 5 17 के साथ एक लगा दिया हमने यहाँ पर, 4 1 5 3 8 3 11 1 12 और 2 14, यहाँ 147 है, कितना ज्यादा है। तेरह खतों की से औसत औसत बताना है तो ये डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक आएगा हमारा 232 और एक आएगा 147, है ना, डिवाइडेड बाई 5 है इससे बताना है, तो कहीं ना कहीं 232 से 147 ही देख लो ना कितना ज्यादा है, देख लेते हैं, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 4 गए 8, 85 किसका किससे कंपेयर करना है, शेरखान से, शेरखान को नीचे लाइए भाई साहब इनटू 100। देखो 147 अगर आधा देखते तो 75% होता, 50% से भी कम है, और ऊपर देखो 50% से केवल एक आंसर है जो कम है, दैट इज ऑप्शन सी, और इस तरह से आपका सी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा जल्दबाजी करी है, जल्दी जल्दी बताया है आपके समय को बचाने के लिए, और हाँ ये जो मैंने सोल्यूशन कराया है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ये देखिए द स्टडी एक्स, एक्स को हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पर हमने इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। दोस्तों बहुत जल्दी आपको शिफ्ट 2 के डीआई के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।